Vedanta Computer Institute, Paliganj, Patna, Bihar. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्डपैड का पार्ट टू, यानी कि पिछला वीडियो में हमने वर्डपैड का इंट्रोडक्शन, उसके मीनू के बारे में बताया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्डपैड के होम मीनू का कुछ ऑप्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ट शब्द मीन, जिसके अंतर्गत आप पाएंगे कि फॉन्ट सब मीनू के अंतर्गत ये जो ऑप्शन नीचे दिख रहा है पूरा ऑप्शन, ये सभी को टूल्स बोला जाता है। और किस टूल का क्या नाम है, किस टूल से क्या करते हैं, ये सभी का विश्लेषण आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने अभी वर्डपैड ओपन कर दिया है, और वर्डपैड पिछले क्लास में भी, यदि आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखिए। तो हमने देखा था फाइल मीनू, उसके बाद बताए थे होम मीनू, व्यू मीनू, ये सभी को मीनू बार बोला जाता है और ऊपर वाले को टाइटल बार। तो होम मीनू के अंतर्गत पहला क्लिपबोर्ड, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं, और आज जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं यानी कि होम मीनू का फॉन्ट और पैराग्राफ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉन्ट और पैराग्राफ सब मीनू के बारे में। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि फॉन्ट सब मीनू के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, उसी तरह से पैराग्राफ में भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। एक बार करके आप सबसे पहले सब ऑप्शंस का, जितना भी टूल है, ये सभी टूल्स का नाम याद करेंगे। उसके बाद हम आपको लाइव एक एक टूल के बारे में यूज करके बताएंगे कि देखिए इस टूल से कैसे और क्या काम होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमारे पास जो स्क्रीन पे खुला हुआ है वो है फॉन्ट सब मीनू का टूल्स, देख रहे हैं ना। तो फॉन्ट सब मीनू का टूल है जिसमें से एक एक करके पहले नाम बारीकी से सुनेंगे, यदि आपका इच्छा होगा आप अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहला जो बॉक्स होता है जिसमें कैलिबरी लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं फॉन्ट स्टाइल, क्या बोलेंगे, फॉन्ट स्टाइल। दूसरा है जो 11 लिखा हुआ है, 11, इसे बोला जाता है फॉन्ट साइज। और तीसरा ये जो दिख रहा है ए लिख करके और ऊपर की ओर एरो है, इसे बोला जाता है ग्रो फॉन्ट साइज। उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा आपको ए लिख करके, देखिएगा ए है लिखा हुआ छोटा थोड़ा, और एरो नीचे की ओर, तो इसे बोला जाता है श्रिंक फॉन्ट साइज। जस्ट नीचे बढ़ेंगे तो B4 बोल्ड, I4 इटालिक, U4 अंडरलाइन और ABC लिख के, और बीच से एक लाइन खींचा हुआ, देखिएगा ध्यान से ABC लिखा हुआ है, बीच से एक लाइन खींचा हुआ है, इसे बोला जाता है स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू। जस्ट बगल में जाएंगे तो आपको पाया जाएगा कि X लिखा हुआ है और X लिख करके नीचे में दो है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है नीचे में रहे तो सब और ऊपर सुपर, ठीक है, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, सुपर ऊपर सब नीचे, यानी सुपर स्क्रिप्ट इसे बोलेंगे, ऊपर है तो सुपर स्क्रिप्ट और नीचे है तो सब स्क्रिप्ट। और ये जो टूल है A लिख करके नीचे में ये जो काला काला आपको दिख रहा है, यह रंग भरा हुआ है, यदि ब्लैक है, यदि आप रेड कलर चूज करेंगे तो यहाँ रेड शो करेगा, इसे बोला जाता है फॉन्ट कलर। और जस्ट बगल में एक पेंसिल और पेंसिल के नीचे कलर बॉक्स, तो इसे बोला जाता है हाईलाइट कलर। इस तरह से हमने आपको इंट्रो करवाया फॉन्ट सब मीनू के अंदर मौजूद 12 टूल के बारे में। पहला फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट साइज, श्रिंक फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर, हाईलाइट कलर। ऐसा है आपको नाम कम से कम याद हुआ होगा। अब एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये जो फॉन्ट स्टाइल है इसे क्या होता है, इसे क्या होता है, इसे क्या होता है, मतलब कि होम के अंतर्गत फॉन्ट में जो ये 12 टूल है वो 12 टूल का यूज करेंगे। तो चलते हैं अब हम लोग इसका डीपली अध्ययन करने, मतलब कि ये जो फॉन्ट है, फॉन्ट के अंदर ये जो 12 टूल है, प्रत्येक टूल से किससे क्या होता है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि वर्डपैड में कोई भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले अक्षर को चुनना बेहद जरूरी होता है, और अक्षर को चुनने का तरीका है, आप ध्यान से देखेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यदि पूरा का पूरा चुनना रहे, यानी कि जितना अक्षर लिखा हुआ है वो सब चुनना है, तो आप कंट्रोल प्लस ए दबा देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि कस्टम टेक्स्ट को चुनना है, कस्टम मतलब आप अपने इच्छा से किसी अक्षर को चुनना चाहते हैं, तो कस्टम टेक्स्ट के लिए
हम लोग क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ एरो का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान देना है, जिधर का अक्षर चुनना है उधर का एरो दबा देना है, किसके साथ, शिफ्ट के साथ। एज फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर कर्सर को रखा, अब हमें चुनना है वर्ड पैड, तो शिफ्ट बटन दबाएंगे और लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे। देखिए वर्ड पैड चुना गया, तो वर्ड पैड में किसी तरह के कोई भी कार्य को करने के लिए अक्षर को चुनना बेहद जरूरी होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम एक अक्षर को चुन लिया है, एक शब्द को चुन लिया है जिसका नाम है वर्ड पैड। उसी तरह आपका इच्छा नहीं पूरा में काम करना है तो आप पूरा को ही चुन लीजिए, ये सारा चीज आपके मूड पर डिपेंड करता है। तो हम अक्षर को चुन लिए, अब है कि पहला ये जो कैलिबरी लिखा हुआ है इसे डिफॉल्ट स्टाइल बोला जाता है। डिफॉल्ट मतलब अपने आप चेंज कीजिए या नहीं कीजिए, वो बाय डिफॉल्ट वहाँ शो करेगा। तो मेरा इच्छा है कि नहीं कोई दूसरा स्टाइल में लिखना है, तो आप कैलिबरी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बहुत सारा स्टाइल आता है, आप सब पे जाइए देखिए किससे क्या होता है, आपको जो स्टाइल उचित लगे एट रैंडम उस पर जाके क्लिक कर देना। देख रहे हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फिर इस पर गए ये भी ठीक नहीं लग रहा है इस पर क्लिक कर दिए, फिर इस पर गए ये भी क्लिक कर, ये भी ठीक नहीं लग रहा है इस पर क्लिक कर दिए। यदि आपको नाम याद है तो आपको ऊपर नीचे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप आराम से जाइए नाम लिख के इंटर मार दीजिए। देख रहे हैं स्टाइल बदल गया, मन कि नहीं ये भी ठीक नहीं लग रहा है, फिर से हमने स्टाइल बदल दिया, देख स्टाइल चेंज कर दिया। तो इसी तरह से आप भी किसी भी पार्टिकुलर अक्षर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है साइज, तो जैसा कि आप देख पा रहे थे इसे पहले 11 था लेकिन अभी यहाँ पे 36 दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो अक्षर लिखा गया है इसका साइज 36 है। लेकिन मेरा इच्छा कि नहीं और बड़ा करना है तो आप यहाँ पे जाइए देखिए अलग अलग साइज दिखाएगा, 72 तक है, लेकिन इसमें हम लोग जो इच्छा करें आप एज यूजुअल वहाँ जाइए और लिख दीजिए, जैसे हमने 50 लिख दिया और इंटर प्रेस करेंगे, देख पा रहे हैं बड़ा हो गया है। इसी तरह किसी का भी जैसे मन है वर्ड पैड को थोड़ा सा बड़ा करना, सिर्फ वर्ड पैड को, हम वर्ड पैड को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिख दिए 7070। अब देख पा रहे हैं क्या सभी बड़ा हुआ, नहीं। तो जो शब्द को जिस अक्षर को हम सेलेक्ट करेंगे उसी के साथ चेंजेज अप्लीकेबल होगा। फिर वहाँ पर यहाँ पर वापस गए 100 लिख दिए, देखिए 100 बड़ा हो रहा है ना। इस तरह से किसी भी अक्षर के साइज को हम अपने इच्छा अनुसार बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इससे आप छोटा भी कर सकते हैं बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे आप सेलेक्ट किए छोटा करना है तो पॉइंटर यहाँ क्लिक करेंगे 20 लिख के इंटर, देख रहे हैं छोटा हो गया, क्लिक करेंगे 55 इंटर बड़ा हो गया। बगल में जाते हैं यानी टूल नंबर 3, इसका नाम है ग्रो फॉन्ट साइज। जैसा कि आप यहाँ पॉइंटर रखेंगे तो नाम भी लिखता है ग्रो फॉन्ट साइज। ग्रो मतलब होता है बढ़ना, कभी भी किसी भी चीज में यदि अप एरो लगा हुआ है इसका मतलब बढ़ेगा और डाउन एरो है इसका मतलब घटेगा। तो अप एरो है एक के साथ यानी इस पे आप क्लिक करते जाइए साइज आपका बढ़ते जाएगा, देखिए बढ़ रहा है, और वही साइज को घटाना रहे तो आप इस पे क्लिक कीजिए यानी श्रिंक फॉन्ट साइज पे क्लिक कीजिए, साइज आपका घटेगा। ग्रो से साइज बढ़ेगा, श्रिंक से साइज घटेगा। शॉर्टकट की भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चेंज द फॉन्ट साइज का शॉर्टकट की है, याद रखेंगे सब। ऐसे आप यदि PDF चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे मैसेज क्लियर करेंगे आपको PDF दे दिया जाएगा। चेंज टेक्स्ट साइज, ये जो है यानी कि अक्षर का साइज बदलना है तो आपको शॉर्टकट यूज करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर या स्मॉलर, यही आपका यूज करना है। कभी भी किसी भी अक्षर का साइज बड़ा छोटा करना है तो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, क्लियर है। जैसे सेलेक्ट ऑल इसको चुने, अब इसका साइज बड़ा करना है तो हम सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन स्मॉलर देन, इस तरह से स्मॉलर कर रहे हैं छोटा हो रहा है, ग्रेटर कर रहे हैं बड़ा हो रहा है, यही चीज यहाँ से भी होता है। अब आगे बढ़िए, अब आगे आते हैं नीचे वाला पर, ऊपर वाला 4 को क्लियर हो गया सबका, ठीक है। अब आगे आते हैं नीचे में BIU, तो बी फॉर बोल्ड, आई फॉर इटैलिक, यू फॉर अंडरलाइन, ध्यान देना है बी से बोल्ड, बोल्ड मतलब होता है गाढ़ा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम कुछ अक्षर लिखे हुए हैं और जैसा कि सेलेक्ट जब किए हैं या कर्सर कहीं रख रहे हैं तो यहाँ पे हाईलाइटेड है, बी भी हाईलाइटेड है, आई भी हाईलाइटेड है, निष्कर्ष यह निकला कि जो कुछ भी लिखा गया है यह बोल्ड भी लिखा हुआ है और हाईलाइटेड भी लिखा हुआ है, देखिए इटालिक भी लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्लिक कर रहे हैं तो हाईलाइटेड नहीं है, इसका मतलब बोल्ड हटाया हुआ है। तो इसमें से यदि आप चाहते हैं कि राइट को थोड़ा सा गाढ़ा करें तो राइट को चूज करेंगे और बी पर क्लिक कर देंगे, देखिए गाढ़ा हो गया। उसी तरह चाहते हैं
कि यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए को थोड़ा सा बोल्ड करें, तो सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल बी, बी से बोल्ड हो गया। इटालिक करना है तो या तो आप आई पे क्लिक कर दीजिए, देखिए इटालिक हो गया, इटालिक मतलब हल्का टेढ़ा, या शॉर्टकट की कंट्रोल आई भी दबा सकते हैं। देखिएगा कंट्रोल आई, जिससे जो चेंजेस अप्लाई होगा उसी से हटेगा, यानी कि इनकेस कंट्रोल ए दबाए, कंट्रोल प्लस ए दबाए सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल प्लस बी दबाए, देखिए बोल्ड हो गया सब। अब बोल्ड हटाना है तो फिर से कंट्रोल बी दबा देना है, हट गया। कंट्रोल आई दबाए इटालिक हो जाएगा, तो कंट्रोल आई दबाएंगे तो फिर से इटालिक खत्म भी हो जाएगा, क्लियर है। उसी तरह यू से अंडरलाइन होता है, यू फॉर अंडरलाइन, यानी कि इनके समय राइट साइड को अंडरलाइन करना है, तो राइट साइड को चुनेंगे, चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल यू दबा देंगे, देखिए कंट्रोल यू से अंडरलाइन हटाना रहे अब तो फिर से वही काम, सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल यू से अंडरलाइन हट जाएगा, जिससे आएगा उसी से जाएगा, तो क्लियर है। बी आई यू आगे है स्ट्राइक थ्रू, देखिए इसका यूज क्या है, हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे थोड़ा सा। आर एस लिखा हुआ है 1500 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है मार्केट प्राइस, रहता है ना, यानी मार्केट में किसी वस्तु का कीमत 1500 रुपया है, लेकिन हमें वो वस्तु 1000 रुपया में मिल रहा है ऑफर प्राइस के तहत। आपको ऑनलाइन शॉपिंग जब कीजिएगा देखिएगा इस तरह का लिखा रहता है, तो मेरा इच्छा है कि जो RS 1500 है इसको बीच बीच से काटना है, तो पहले तो आप लिख लीजिए, उसके बाद इसको सेलेक्ट कीजिए और स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर देना है, बस इतना करते ही वो बीच से एक कट जाता है, देखिए कट गया। तो इसी को बोला जाता है स्ट्राइक थ्रू, यानी कोई अक्षर लिख के उसको बीच बीच से काटना रहे तो हम लोग स्ट्राइक थ्रू का उपयोग करेंगे। अगला चलते हैं, उसके आगे नाम है सब स्क्रिप्ट, देखिए ये वाला नीचे तो सब स्क्रिप्ट और ऊपर तो सुपर स्क्रिप्ट, दोनों एक ही जैसा है, बस थोड़ा सा अंतर। यदि ध्यान से सुनेंगे, यदि किसी भी अक्षर को नॉर्मल अक्षर के नीचे ले जाना है, देखिए हमने लिख दिया KNO3, फिर लिखा H2SO4, क्लियर है ना। अब हमें यहाँ पे KNO3 जिसमें 3 को नीचे ले जाना है, तो जिस अक्षर को नीचे ले जाना है आप उसको चुन लीजिए, चुन लिया, अभी बताए भी थे शिफ्ट के साथ एरो का इस्तेमाल करेंगे, कर्सर यहाँ है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, कर्सर इधर रहता तो शिफ्ट के साथ राइट एरो, चुन लिए। चुनने के बाद आप इस पे जाके क्लिक कर देंगे, देखिए क्लिक करते ही कहाँ चला गया, नीचे, तो इसी को बोला जाता है सबस्क्रिप्ट। उसी तरह 2 को यहाँ से चुने। एक बात और ध्यान देंगे, सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ प्लस दबाना है, सबस्क्रिप्ट कंट्रोल उसके साथ प्लस, देखिए कंट्रोल उसके साथ प्लस, जैसे ही आप कंट्रोल प्लस दबाइएगा अक्षर को सेलेक्ट करने के बाद वह अक्षर नॉर्मल अक्षर के नीचे चला जाएगा। उसी तरह यहाँ आ जाइए, 4 को भी हमने सेलेक्ट किया कंट्रोल के साथ प्लस दबाएंगे, याद रहेगा कंट्रोल प्लस से नीचे जाएगा और कंट्रोल शिफ्ट प्लस से ऊपर जाएगा, कंट्रोल प्लस दबाएंगे तो नीचे जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और तब प्लस दबाएंगे तो ऊपर जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर स्क्रिप्ट। इसका उदाहरण देखिए, हमने लिखा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 3 को ऊपर ले जाना है, तो एज यूजुअल 3 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे सबस्क्रिप्ट पे, देखिए चला गया ना। उसी तरह मेरा इच्छा है कि हमने लिखा x² + y² = 0, अब यहाँ पे 2 को ऊपर भेजना है तो सिंपली 2 को चूज कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, चल गया ऊपर, फिर इसको चूज किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस, क्लियर है। तो सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर, सबस्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस और सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस। आगे बढ़िए, यह है फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर मतलब और हाईलाइट कलर, ये दोनों ध्यान से समझेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉन्ट मतलब अक्षर में रंग, फॉन्ट कलर मतलब अक्षर में रंग, और हाईलाइट का मतलब हुआ अक्षर के पीछे में रंग, फॉन्ट मतलब अक्षर में, हाईलाइट का मतलब अक्षर के पीछे। यहाँ देखा जाए ध्यान से, हम चाहते हैं कि ये जो पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है यह ब्लैक से है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऊपर वाला ये जो पैराग्राफ है ना यह रेड से हो जाए, तो सबसे पहले तो आप अक्षर को चुनिए जिसमें आप रंग भरना चाहते हैं, उसके बाद अब सोचिए जरा सा कि क्या अक्षर के पीछे भरना है या अक्षर में भरना है, तो हमें तो अक्षर में भरना है, तो अक्षर में भरने के लिए फॉन्ट कलर में जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको रंग दिखाई दे रहा है, जो रंग उचित लगे आप उस पर क्लिक कर दीजिए, देख सकते हैं अक्षर का रंग क्या हो गया है, चेंज हो गया है। इसी तरह से
अब इच्छा कर रहा है कि राइट साइड के अंदर में रंग बनना है, तो राइट साइड को चूज करेंगे, और अंदर अंदर मतलब पीछे, तो यहाँ से हाईलाइट कलर में जाएंगे और यहाँ से कोई एक रंग चुनेंगे, बाहर में क्लिक करेंगे। देखिए क्या हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ पे हाईलाइट हो गया है ना येलो कलर से, तो इसी को बोलते हैं हाईलाइट कलर और इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। क्लियर है? चलिए एक चीज और आप समझिए, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे लिख दिया वेदांता, साइज तो काफी छोटा है, तो सबसे पहले अक्षर को चुनेंगे, साइज यहाँ से बढ़ता है तो क्लिक करेंगे, हमने लिख दिया 100, बड़ा हो गया ना। कंट्रोल बी दबा दिए बोल्ड भी हो गया, कंट्रोल आई दबा दिए इटैलिक भी हो गया, कंट्रोल यू दबा दिए अंडरलाइन भी हो गया। तो अब हम यदि अक्षर में रंग भरना है, चाहते हैं कि सब अक्षर का अलग अलग रंग भरा, एक बात अलग से याद रखेंगे, जिस कलर से आपका अक्षर रहेगा वही कलर से अंडरलाइन रहेगा, इसको ध्यान देना है। वर्डपैड में, एमएस वर्ड में अलग नियम है, हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे, फिलहाल अभी वर्डपैड पढ़ रहे हैं। तो यदि हम ब्लैक से लिखे हुए हैं तो अंडरलाइन भी ब्लैक से, यदि अक्षर को चुन के रेड कर दिए तो आप देख सकते हैं अंडरलाइन भी रेड से, लेकिन सिर्फ भी को चेंज करना है कलर, तो आप सिर्फ भी को चुनिए, यहाँ से कलर चेंज कर दीजिए, डी को चुनिए, यहाँ से आप फॉन्ट कलर में जाइए, कलर चेंज कर दिए, एन को चुने फिर यहाँ से फॉन्ट कलर में गए, फिर से कलर चेंज कर दिए, ए को चुने फिर यहाँ गए और फिर यहाँ से भी कलर चेंज कर दिए। इस तरह से हम लोग, सॉरी हाईलाइट हो गया अभी यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ से किए थे तो हमको तो इसमें जाके करना था ना, देखिए चेंज हो गया। इस तरह से आप डिजाइन करके कलरफुल रूप में किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपका होम मेनू का फॉन्ट सब मेनू के अंतर्गत 12 टूल क्लियर हो गया होगा। आपको लिखा हुआ नोट्स टेलीग्राम के थ्रू भेज दिया जाएगा, आप हाई लिख करके मैसेज करेंगे। चलते हैं आगे, यानी कि सब मेनू नंबर 3, पहला हम लोग पढ़ेंगे क्लिप बोर्ड, दूसरा फॉन्ट, और आप पढ़ेंगे पैराग्राफ सब मेनू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ सब मेनू के अंदर कुछ टूल्स हैं और सभी टूल्स आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये जो नीचे वाला दिख रहा है ना, नीचे 5 और ऊपर में 4, ठीक है, नाम याद कीजिए सबका, नीचे में कितना है 5 और ऊपर में 4, 5 4 9। तो कोई आपसे पूछे पैराग्राफ सब मेनू में कितने टूल होते हैं, तो आंसर होगा 9 टूल। देखिए नीचे से 1 2 3 4, ये चारों को अलाइनमेंट बोला जाता है। क्या बोलेंगे? अलाइनमेंट। ये जो लेफ्ट लाइन में यदि सारा का सारा लाइन लेफ्ट की ओर टच रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा है, फिर लेफ्ट से ही शुरू होकर आधा पर गया, फिर लेफ्ट से शुरू होकर पूरा, यानी सारा लाइन लेफ्ट में है, तो इसे बोला जाएगा लेफ्ट अलाइनमेंट। एक पूरा एक बीच में, एक पूरा एक बीच में, तो इसे सेंटर अलाइनमेंट, और सब का सब यदि राइट साइड में तो इसे राइट अलाइनमेंट, और सब बराबर तो इसे जस्टिफाई अलाइनमेंट। फिर से लेफ्ट सेंटर राइट जस्टिफाई। क्लियर है? ऊपर में आ जाइए, ये जो लेफ्ट की ओर एरो दिखा रहा है और एक राइट की ओर एरो, तो इसे बोला जाता है ये दोनों को इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट राइट इंडेंट। ये जो है 3 डॉट और लाइन पारा हुआ, इसे बोला जाता है बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग। और ऊपर नीचे ये जो तीर दिखा रहा है और लाइन पारा हुआ, इसे बोला जाता है लाइन स्पेसिंग। और बचा है आपका लास्ट टूल, तो इसे बोला जाता है पैराग्राफ इंडिकेटर या पैराग्राफ टूल, ये वाला है ना, ये वाला पैराग्राफ टूल। अब एक एक करके जिस तरह से हमने फॉन्ट में पढ़ा, उसी तरह से इसके बारे में भी एक एक करके पढ़ाया जाएगा कि किससे क्या होता है। नाम पहले याद करेंगे, इसे लेफ्ट अलाइनमेंट, इसे सेंटर अलाइनमेंट, इसे राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, पैराग्राफ टूल, लाइन स्पेसिंग, बुलेट एंड नंबरिंग। उसके बगल में यहाँ पे आ जाएंगे, तो इसका नाम राइट इंडेंट, इसका नाम लेफ्ट इंडेंट। क्लियर है? तो अब चलते हैं हम लोग एक एक करके सबके बारे में अध्ययन करने, यानी कि सबका विस्तार से पढ़ने। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर 3 वर्ड लिखा हुआ है, वेदांता, कंप्यूटर, सेंटर, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इस पेज के अकॉर्डिंग यदि तीनों शब्द को देखें तो सारा का सारा लेफ्ट में है, वेदांता भी लेफ्ट में, कंप्यूटर भी लेफ्ट में, और सेंटर भी लेफ्ट में। लेकिन मेरा इच्छा है वेदांता लेफ्ट में रहे, कंप्यूटर सेंटर में रहे, सेंटर मतलब बीच में रहे, और ये जो सेंटर लिखा हुआ है ये राइट में रहे, कंप्यूटर कहाँ रहे, बीच में। तो देखिएगा एक बात आपको ध्यान देना है, अक्षर को चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस कर्सर रखना है जिस पंक्ति के अक्षर को अलाइन करना है। एग्जाम्पल वेदांता को मान लीजिए राइट साइड में लिखना है, तो आप कर्सर इसमें रखिए और यहाँ से राइट अलाइनमेंट ये वाला है, अभी बताए भी थे, तो क्लिक कर दीजिए, कहाँ चला गया, राइट में। लेफ्ट में ले जाना है तो लेफ्ट वाला पर क्लिक कर दीजिए, सेंटर में ले जाना है
तो सेंटर वाला पे क्लिक कर दिए, तो हमें रखना है लेफ्ट में तो लेफ्ट कर दिए, इसको रखना है सेंटर में तो यहाँ से सेंटर कर दिए, इसको रखना है राइट में तो यहाँ से हम राइट कर दिए, ठीक है। पूरा को चुनेंगे, कंट्रोल एल दबा देंगे लेफ्ट। एक बात और आप शॉर्टकट की भी याद रखेंगे, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट, जैसे इसको राइट में करना था कर्सर रखिए मार दीजिए कंट्रोल आर, चल गया राइट में, और कंट्रोल ई, ई याद रखेंगे कंट्रोल ई, हम बोले सी टी आर एल प्लस ई, इससे आपका सेंटर में चला जाता है, जैसे कंप्यूटर को सेंटर में ले जाना है कर्सर रखेंगे कंट्रोल ई दबा देंगे, देख लिए। कभी भी किसी भी अक्षर को आपको लेफ्ट राइट सेंटर करना है तो कंट्रोल प्लस ई दबाएंगे, क्लियर है। हम लोग तीन चीज पढ़ चुके हैं, लेफ्ट सेंटर और राइट, बचा आपका जस्टिफाई। इसको करने के लिए जस्टिफाई अलाइनमेंट तभी आप सीख पाएंगे जब आपके पास कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ हो, तो पैराग्राफ लिखने के लिए आप यदि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं सीख रहे हैं तो एक अच्छा ट्रिक हम बता रहे हैं, आप लिखेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा, सीखने के लिए है तो सबसे पहले आप वर्ड खोल लीजिए, वर्ड पर नहीं बोल रहे हैं हम, क्या खोलना है वर्ड, देख लिया ना, वर्ड हम लोग खोलेंगे और वर्ड में एक फॉर्मूला है, उसको लिखते ही आपके पास पैराग्राफ अपने आप लिखा जाता है। देखिए फॉर्मूला है इक्वल टू आर ए एन डी छोटी कोष्ठ, देख लीजिए एक बार, फॉर्मूला है इक्वल टू आर ए एन डी छोटी कोष्ठ फिर छोटी कोष्ठ, इतना लिख करके और आप इंटर जैसे ही मारेंगे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा जा चुका है। अब यहाँ से हमने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी और वर्ड पैड खोल के कंट्रोल भी, देख रहे हैं ना लिखा गया पूरा। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे जस्टिफाई क्या होता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट से शब्द हम बराबर में है, देख रहे हैं ना, लेकिन राइट में कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, है ना। तो जस्टिफाई करते ही लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से एकदम बराबर हो जाता है। देखिए सबसे पहले सबको सेलेक्ट करेंगे, कर लिए, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं बराबर में है नहीं ना, इधर से तो है शब्द बराबर लेकिन इधर से नहीं है, तो हम क्या करेंगे जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे। अब चेंजे देखिएगा क्या हो रहा है, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देख लिए क्या हुआ, एकदम बराबर हो गया, देखिए है लेफ्ट से भी सब, लेफ्ट से भी सब बराबर, इधर राइट से भी सब बराबर। अब कंट्रोल एल दबाएंगे, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा चेंजे दिखा आपको। इसी तरह से जस्टिफाई का काम है कि किसी भी अक्षर को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर कर देना, सेलेक्ट करना है जस्टिफाई पे क्लिक कर देना, बराबर हो गया, कंट्रोल एल से लेफ्ट चल गया, कंट्रोल जे होता है जस्टिफाई का शॉर्टकट की, देखिए कंट्रोल जे दबा दीजिए जस्टी। तो आशा करते हैं आपको अलाइनमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इंडेंट और लाइन स्पेसिंग, पहले लाइन स्पेसिंग देख लेते हैं ये वाला, ठीक है, आगे पीछे पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइन स्पेसिंग मतलब एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चार लाइन इसके बीच स्पेस, तो लाइन स्पेसिंग में गए हमने टू कर दिया, आप देख पा रहे हैं लाइन के बीच स्पेस क्या हो गया है बढ़ गया, लेकिन लाइन के स्पेस को कम करना है तो आप फिर से जाइए लाइन स्पेसिंग में वन कर दीजिए, सबसे कम है, कम हो गया, लेकिन और कम करना है तो फिर इसमें जाइए सबसे निचला ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, सही क्या सर। इस तरह से दो लाइन के बीच स्पेस को कम या ज्यादा किया जाता है, देखिए कुछ कम सबसे कम क्लिक किए, ज्यादा कुछ ज्यादा, फिर इसमें गए सबसे ज्यादा, इस तरह से लाइन स्पेसिंग को आप अपने से एडजस्ट कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं इंडेंट के बारे में, यह क्या है इसको समझिए। हमने लिखा एच ए डबल पी वाई हैप्पी एनी डब्ल्यू न्यू वाई ईयर ईयर 221, देख रहे हैं ना अक्षर का साइज बढ़ा रहे हैं, अभी आपको बताए थे, तो अब न्यू को बीच में नहीं ले जाना, थोड़ा सा आगे खसकाना है, ध्यान देना है, अलाइनमेंट से डायरेक्ट बीच में चल जाता है लेकिन इंडेंट से थोड़ा थोड़ा करके और आगे की ओर बढ़ेगा और थोड़ा थोड़ा करके पीछे की ओर। तो देखिये यहाँ से राइट इंडेंट पे क्लिक कर रहे हैं, बढ़ रहा ना, अब यहाँ से इसको बीच में कर दिए, ठीक है, माना कि नहीं थोड़ा सा और आगे रहे तो राइट कर दीजिए, यहाँ पे गए इसको हम लोग सेंटर कर दिए, सेंटर से थोड़ा सा आगे खसकाना है तो यहाँ से राइट 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 राइट, यानी टैब वाला काम इंडेंट हमारा करता है, लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही आगे चल गया है तो लेफ्ट पे क्लिक करके लेफ्ट इंडेंट पे करेंगे तो थोड़ा थोड़ा पीछे आएगा। इस तरह से हम लोग अलाइनमेंट और इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट टूल हम लोग पढ़ेंगे बुलेट नंबरिंग, ये क्या होता है ध्यान से समझेंगे। नंबरिंग का इस्तेमाल या बुलेट का इस्तेमाल तब करना है जब आप क्रमबद्ध तरीके से सीरियल वाइज कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान देंगे बुलेट में मान लिया जाए हमको एक दो तीन लिखना है नंबरिंग, तो एक लिख देंगे, देखिए एक लिखा गया, अब यहाँ हम लिख रहे हैं राम फिर इंटर श्याम फिर इंटर, सेलेक्ट ऑल करेंगे एक ही बार में साइज में जाएंगे
और जितना बड़ा आपको करना है लिख लीजिए, देखिए चेंज हो गया, तो राम लिखे, श्याम लिखे, फिर यहाँ से मोहन लिखे, जैसे ही इंटर मारेंगे ऑटोमेटिक नंबरिंग अपने से आ जाता है। देखिए आ गया, राजू लिखे, फिर इंटर मारे, यानी कि आपको नंबरिंग लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मान लिया जाए यहाँ से नंबरिंग हटाना है, तो आप बैक स्पेस दबाइएगा ना तो कर्सर ऊपर चल जाता है, देखिए चल गया, अब फिर मारिएगा इंटर तो फाइव ही आ जाएगा। अब फाइव हमको नहीं चाहिए, तो फिर वापस आपको जाना है नंबरिंग में, नॉन पे क्लिक कर देना। देख लीजिए इस तरह से हमने सीखा नंबरिंग का उपयोग, नंबरिंग कैसे लगाते हैं, क्लियर है। अब लास्ट टूल बचा ये वाला, तो पैराग्राफ, इसका काम क्या है कि हम लोग पैराग्राफ टूल में जितना भी टूल का यूज किए हैं ना, वो सारा टूल का कलेक्शन इसके अंतर्गत भी होता है। मान लो हमको राम को लेफ्ट में लिखना है, राइट में लिखना है, सेंटर में लिखना है, तो इसके लिए तो डायरेक्ट बताए हैं, लेकिन मानेंगे नहीं, अंदर जाके करेंगे, इसमें जाके करेंगे, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ऐसे यूज इसका नहीं करना है, तो क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं पैराग्राफ का एक बॉक्स खुल गया है, यहाँ से अलाइनमेंट लेफ्ट किया हुआ है, हम सेंटर करेंगे तब ओके करेंगे, बीच में चल गया, तो इतना करने का क्या जरूरी है, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल आर से राइट, और नहीं तो फिर डायरेक्ट यहाँ टूल दिया हुआ है, ठीक है। लाइन स्पेसिंग कम करना है तो सेलेक्ट कीजिए लाइन स्पेसिंग, यहाँ से भी कम बेसी होता है, लेकिन माने कि नहीं यहाँ से करेंगे, तो क्लिक कीजिए इसमें लाइन स्पेसिंग में जाइए, कर दीजिए ओके, ठीक है। लाइन स्पेसिंग यहाँ पे आपको बताएगा लाइन स्पेसिंग, तो जितना आपका इच्छा करे ओके यहाँ से कर देंगे, नहीं ले रहा, तो इस तरह से लाइन स्पेसिंग वगैरह, मतलब कि जो काम यहाँ से वो सब काम यहाँ से भी होता है। इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने सीखा होम मीनू का, यानी वर्डपैड का होम मीनू और उसका फॉन्ट के अंतर्गत 12 टूल और पैराग्राफ का 9 टूल के बारे में। तो आपको सबसे पहला जो जरूरी बात है वो है कि इसे याद कर लेना है कि किस टूल को क्या बोला जाता है, उसके बाद उसका काम काज हम लोग याद करेंगे जैसा कि हम आपको यहाँ पे बताएं। इसके बाद यदि आप भूल जा रहे हैं, आपको समस्या है, आप लिखना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे संपर्क करेंगे वेदांता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पालीगंज, यूट्यूब का नाम है और मोबाइल नंबर आपका ये है, आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे आइदर व्हाट्सएप या टेलीग्राम, किसी से भी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी जिसमें हर एक का डिफिनेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में इंसर्ट ड्रॉइंग और व्यू के साथ।